नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं 20,000 जीके की सीरीज और ये धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट करेंगे। 9 वीडियो हो चुके हैं, इसके 10वां पार्ट है। ये वाली पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे जाके ले सकते हैं। डीडीएन पब्लिकेशन नीलेश जी की है ये, ठीक है। ये पीडीएफ की लिंक है, ये आपकी हार्ड कॉपी की लिंक है। एसएससी ज्ञान अगर कोड यहाँ पे यूज करेंगे तो 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन आप ये है कि वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो वीडियो में भी मिलेगा और पीडीएफ भी आपको मिल सकती है। चलो इसमें स्टार्ट कर लेते हैं। 103 तक हो चुके थे आपके, ये वाले हम लोगों ने देखे थे डिजर्ट से रिलेटेड, हम देख रहे थे। सोनोरन कहाँ पे? यूएस में है। टकला मकान चाइना में है। तुर्कमेनिस्तान आपका कराकुम जो डिजर्ट है वो तुर्कमेनिस्तान में, ठीक है। गिब्सन कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में है। डिजर्ट के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम लोग। उसके बाद है आपका कि क्या मेन रीजन है जो फॉर्मेशन हुआ है अफ्रीकन और यूरेशियन डिजर्ट बेल्ट का, क्योंकि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल में लोकेटेड है। नेक्स्ट, ये जो दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं ये दोनों स्टेटमेंट सही है, और जो बी वाला है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, ठीक है। डिजर्ट जो है अच्छे खासे सोर्स हो सकते हैं सस्टेनेबल एनर्जी के जनरेशन के लिए, और जो डिजर्ट है उसमें जो सनलाइट है आपकी ज्यादा रिसीव करते हैं वो, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। देखिए डिजर्ट जो ज्यादातर है वो जो इक्वेटोरियल बेल्ट पे और इन सब जगह ज्यादा एरिया हुआ है इसमें, और डिजर्ट का मतलब वही है कि बारिश नहीं है वहां पे, सनलाइट ज्यादा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और दूसरा वाला पहले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है इसमें कि ट्रॉपिकल डिजर्ट जो है ये वेस्टर्न मार्जिन पे लाई करते हैं, ठीक है। वेस्टर्न मार्जिन में इसलिए भी लाई करते हैं ट्रॉपिकल डिजर्ट जो होते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर जो आपकी ये जो मॉनसून वाली जो वेव्स होती हैं वो आपकी ईस्ट से लेके वेस्ट तक चलती हैं, और जब ये पूरी कंट्री क्रॉस कर लेती हैं तो इनके पास कुछ ऐसा पानी वानी नहीं बचता है। तो ये एक और एक ये रीजन है कि आपकी ट्रॉपिकल जो जितने भी जो डिजर्ट है वेस्टर्न मार्जिन पे लाई करते हैं। दूसरा एक और रीजन है वो आप बताइए। नेक्स्ट है इसमें कि इंडिया में अगर आप देखेंगे ईस्ट हिमालय जो रीजन है उसमें जो हाई रेनफॉल होती है नॉर्थ ईस्ट की, ये वाला गलत है, ए वाला सही है केवल। सवाना कहाँ पे लोकेटेड है? अफ्रीका में। देखिए ये एनसीईआरटी की पिक है, ये मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक है, इसको रट लीजिएगा। जैसे ये ट्रॉपिकल डिजर्ट कौन कौन से हैं? ईस्ट अफ्रीका में है सवाना, ठीक है। ब्राजील में है आपका कंपोस, और वेनेजुएला में है लियानोस, ठीक है। और टेम्परेट कौन कौन से? अर्जेंटीना में है पंपास, नॉर्थ अमेरिका में प्रायरी, और साउथ अफ्रीका में है फेल्ट बोलते हैं इसको एक्चुअली, सेंट्रल एशिया में है ये स्टेप, और ऑस्ट्रेलिया में है डाउन, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली ऐसे ही रट लीजिएगा, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं, तो इसीलिए मैंने ये पिक इंक्लूड की यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पिक, ठीक है। फिर ये पंपास जो है आपका, ये कौन सा इसमें से, देखिए चार यहाँ पे दिए हुए, कौन सा? टेम्परेट नहीं है इसमें, तो सवाना नहीं है, अभी हमने देखा सवाना, क्योंकि ट्रॉपिकल है, ठीक है। तो ये रटना बहुत जरूरी है यहाँ पे, याद रखिएगा ये। फिर ये चार डिजर्ट के नाम दिए हुए, इनमें से कौन सा टेम्परेट जो है ये यूरेशिया में पाया जाता है? वो है स्टेप्स, ठीक है, स्टेपीज या फिर स्टीप्स जैसा भी आप बोलना चाहें, तो ये याद रखिएगा आप, ठीक है, सेंट्रल एशिया में और यूरेशिया वाले पार्ट में। फिर ये आपका जो ट्रीलेस ग्रासी प्लेन है साउथ अमेरिका में, वो है पंपास। पंपास किस किस कंट्री में, ये पमास नहीं है पंपास है, पंपास किस किस कंट्री में है ये आपका लोकेटेड ग्रासी जो ग्रासलैंड है? अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील में, ठीक है। फिर मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड जो साउथ अमेरिका में, उसका नाम क्या है? पंपास। और इसमें से चार डिजर्ट आपको दिए गए, इनमें से पंपास ग्रासलैंड कहाँ पे लोकेटेड नहीं है, ये वाला क्वेश्चन गलत है, क्योंकि पंपास में जो है ये अर्जेंटीना में भी है, उरुग्वे में भी है, ब्राजील में भी। बीच में भी एक दो करेक्शन है, इसीलिए मैं थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेता हूँ, फिर भी अगर मेरे से कुछ रह जाए तो आप जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। इसमें देखिए ये दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग, और आपको पूछा गया है नॉट करेक्टली वाला आपको फाइंड करना है। जब भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन करें तो ये जरूर ध्यान रखें कि करेक्टली पूछा है कि नॉट करेक्टली। तो डाउन्स कहाँ पे है? ये है ट्रॉपिकल आपका, ठीक है। नहीं, डाउन्स वाला जो है ये ट्रॉपिकल नहीं है, अभी हमने देखा ना टेम्परेट में ये, तो यही वाला गलत है क्योंकि टेम्परेट ग्रासलैंड है। स्टीप्स जो है ये टेम्परेट ग्रासलैंड है, बिल्कुल सही है। सेल्वा है आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, टाइगा है जो वो टेम्परेट फॉरेस्ट है, ठीक है। फिर इसमें लास्ट में 114 में पूछा है कौन सा ये नॉट करेक्टली मैच्ड है कंट्री और ग्रासलैंड का, तो इसका आंसर है बी, ठीक है। ये क्योंकि जो देखिए इसमें ये जो है आपको पूछा है करेक्टली मैच्ड, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है 114। अब इसमें पंपास में एक्चुअली कुछ एरिया है अर्जेंटीना के, तो बाकी तो तीनों गलत ही हैं,
ठीक है, लेकिन ये वाला इसमें करेक्ट माना जा सकता है। वैसे ये वाला क्वेश्चन गलत है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि पंपाज अगर आप देखेंगे तो अर्जेंटीना के भी कुछ कुछ पार्ट हैं उसमें, और उरुग्वे भी है और ब्राजील भी है। फिर करेक्टली मैच की पूरी लिस्ट दी हुई है यहाँ पे ये आपकी, कि प्रेरी जो है ये ग्रास लैंड कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका में है, पंपाज है साउथ अमेरिका में, बिल्कुल सही बात है। और स्टीप्स जो है आपका यूरोप में है, सेंट्रल एशिया में, फेल्ट है आपका साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, अगले वाले वीडियो में पूरा करेंगे, छोटे छोटे पार्ट बना रहा हूँ ताकि रेगुलर रेगुलरिटी बने रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।